बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग र्यूमा के एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि फाउंडिंग फेस्टिवल के लिए अपने स्टॉल का लेआउट डिसाइड कर रहे हैं, जिसके बाद र्यूमा देखता है कि सैमुराई ट्रूप्स ने अपने रिहर्सल शुरू कर दिए हैं। तभी र्यूमा के पास वॉर्गन आ जाता है और र्यूमा से कहता है, क्या तुम्हारे पास बात करने का समय है? तो र्यूमा कहते हैं हाँ बोलो। तो वॉर्गन र्यूमा का शुक्र करते हैं टनल एंट्स को मारने के लिए और कहते हैं, मैंने सुना कि तुम अपना एडवेंचर रैंक बढ़ाना चाहते हो, जिस पर र्यूमा कहते हैं हाँ। ये सुनकर वॉर्गन उसे कहते हैं, अब तुम एक एम्प्लॉयर हो, तुम्हारी काफी ज्यादा काम है और ड्यूटीज हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक फुल टाइम एडवेंचरर नहीं बन सकते हो, लेकिन क्या तुम आने वाले दिनों में फ्री हो सकते हो? तो र्यूमा कहते हैं हाँ मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ये सुनकर वॉर्गन कहते हैं परफेक्ट, मेरे पास एक जॉब है जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये काम मटेरियल इकट्ठा करने का है, लेकिन हमें स्पेस मैजिक यूजर की जरूरत है क्योंकि जो मटेरियल है वो कुछ ज्यादा बड़े हैं और लगे हाथों तुम उस मॉन्स्टर को भी मार पाओगे जिसे तुम मारना चाहते थे। ये सुनकर र्यूमा खुश हो जाता है और कहते हैं क्या सच में? तो वॉर्गन कहते हैं हाँ ये जॉब ट्रेंड मटेरियल इकट्ठा करने की है। ये सुनकर र्यूमा सोचता है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ स्क्वेयर्स में जाने से पहले मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब वो वॉर्गन से कहते हैं ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। और अब अगले सीन में हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉर्गन इस जॉब के बारे में सभी को डिटेल्स बता रहा होता है। वहीं एक बंदा लिपिन कहता है ट्रेंड वोर्ड की जरूरत है, मैं समझ सकता हूँ लेकिन 300 ये कुछ ज्यादा नहीं है। और अब एक और लड़की पूछती है हमें इन सब वोर्ड की जरूरत क्या है? तो वॉर्गन कहता है कि इनकी जरूरत टाउन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए है। जैसे कि तुम्हें पता है कि गिमेल एक माइनिंग टाउन है, लेकिन क्या होगा जब हमारे पास माइन करने के लिए और ही खत्म हो जाएंगे? ये सुनकर एक लड़की कहती है तो काम की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से लोग तो यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। तो वॉर्गन कहते हाँ ऐसा ना हो इसलिए हम लोग एक न्यू टूरिज्म अट्रैक्शन बनाएंगे। स्पेसिफिकली बताऊं तो हम एक नया टाउन बनाना चाहते हैं टूरिस्ट के लिए जो कि साउथ गेट के आउटसाइड में होगा और सेंटर में एक अरीना बनाना चाहते हैं। ये सुनकर मियाँ कहती है अरीना काफी मजेदार रहेगी। वहीं दूसरी लड़की कहती है वहाँ पर इन भी बनाए जाएंगे कॉम्पिटिटर और ऑडियंस के लिए, ये तो काफी प्रॉफिटेबल है। वहीं एक और एडवेंचर पूछती है कि ट्रेंड वुड की जरूरत ही क्यों है, कोई नॉर्मल वुड क्यों नहीं चलेगी? तो वॉर्गन कहते हैं अरीना को डिजाइन करने के लिए हमने एक फेमस आर्किटेक्ट को हायर किया है लेकिन उसे सिर्फ ट्रेंड वुड ही चाहिए। ये सुनकर लिपिन कहता है कि नॉर्मली ट्रेंड वुड का यूज मैजिशियंस के वॉन्ड बनाने के लिए किया जाता है। तो वॉर्गन कहते हैं हाँ ये थोड़ा अजीब है लेकिन पेमेंट को ज्यादा मिलेगी। और वो आसागी से कहते हैं तुम्हें इन सभी को लीड करना है और कहते हैं र्यूमा भी आने वाला है स्पेस मैजिक यूजर के तौर पर, उसे लड़ने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। ये सुनकर सभी लोग र्यूमा से कहते हैं हम सभी तुम्हारी हेल्प करेंगे इसमें। तो र्यूमा सभी का शुक्रिया करता है। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं वो लोग अपनी लोकेशन पर जा रहे होते हैं। र्यूमा सोचता है कि मैंने सभी के साथ काफी समय पहले अबेंडेंस माइन में गोब्लिंस को मारने का काम किया था, वो किए हुए काफी समय हो गया है, मैं अब काफी एक्साइटेड हूँ। तभी असागी कहते हैं हम लोग रात तक उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, रात तक के लिए हम लोग वहां पर कैंप लगाएंगे और कल सुबह हंटिंग के लिए निकल जाएंगे। वहीं अब लिपिन सभी को ट्रेंड से लड़ने का तरीका बताता है। वो बताता है कि ट्रेंड अपने ब्रांचेस से हमला करते हैं, वो अपने ब्रांचेस को मूव कर सकते हैं इसलिए केयरफुल रहना, और उनकी वीकनेस है उनके ट्रंक के ऊपर इंसानों जैसे चेहरा बना हुआ है और उसी चेहरे के ऊपर डैमेज पहुंचाकर उसे हराया जा सकता है। ये सुनकर एक एडवेंचरर कहती है अगर उनका चेहरा दूसरी तरफ हुआ तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि वो नॉर्मल है या फिर ट्रेंड? तो लिपिन कहते हैं ट्रेंड मॉन्स्टर ही होते हैं जिनके पास मैजिक है, तो उन्हें मैजिक डिटेक्शन का यूज करके उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये सब सुनकर र्यूमा थोड़ा केयरफुल हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है, वो लोग कैंप लगाने लगते हैं। वहीं र्यूमा मिया के सामने अपने मैजिक स्पेस से एक चेयर और एक टेबल निकाल देते हैं, उसे देखकर वो काफी हैरान होती है। और अब सभी लोग उसी टेबल और चेयर पर बैठकर र्यूमा की तारीफ करते हैं, जिसके बाद असागी कहते हैं फॉरेस्ट में जाने के बाद मैं और बाकी सभी लोग ट्रेंड से लड़ेंगे, लिपिन और र्यूमा हारे हुए ट्रेंड को कैरी करेंगे, साथ ही मैं लिपिन ट्रेंड को सर्च करेगा और उस टाइम र्यूमा तुम्हें लिपिन को गार्ड करना होगा, और जब सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी तब र्यूमा भी फाइट को ज्वाइन कर सकता है। तो र्यूमा काफी सीरियसली कहता है हाँ। तो असागी र्यूमा से कहता है तुम आते समय भी काफी ज्यादा सीरियस थे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर हैं, इसे रिएक्ट करो और अपने हिसाब से एक्सपीरियंस गेन करो। यही सब बाकी लोग भी र्यूमा से कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर र्यूमा खुश हो जाता है और सभी का शुक्रिया करता है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं वो लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं। वहीं काफी जल्द लिपिन को एक ट्रेंड दिख जाता है और वो सभी को बताता है ये है ट्रेंड। लिपिन की बात मानकर अब सारे लोग उस ट्रेंड के ऊपर हमला कर उसे हरा देते हैं। और अब र्यूमा अपनी स्लैम की मदद लेकर मरे हुए ट्रेंड की बॉडी को उठाकर लिपिन के डायमेंशन स्टोरेज के अंदर डलवा देता है, जिसके बाद लिपिन कहते हैं आगे भी 3 हैं। ये सुनकर असागी और सभी लोग जाकर उन ट्रेंड्स को हरा देते हैं। और अब लिपिन र्यूमा से कहते हैं वहाँ पर भी एक है, क्या तुम उसे हराना चाहोगे? तो र्यूमा कहते हैं हाँ। और अब र्यूमा जाके उस ट्रेंड को मार देता है। ये देखकर सभी लोग र्यूमा की तारीफ करते हैं। तभी लिपिन कहता है ये काफी अजीब बात है, ट्रेंड तो यूजुअली फॉरेस्ट के डीप एरिया में मिलते हैं, तो इन्हें यहाँ पर इतने ज्यादा नंबर में नहीं होना चाहिए था। तभी असागी कहते हैं हमने शुरुआत अच्छी करी है, चलो वापस कैंप में जाकर हम लोग पहले लंच कर लें। सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं और सभी वहां से जाने लगते हैं। वहीं पर र्यूमा जाने से पहले फॉरेस्ट के अंदर कुछ अजीब सेंस करता है।
और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी उन्हें आसमान में एक अजीब सी चीज उड़ती दिखाई देती है। तो लिपिन सभी को बताता है कि ये फ्लश स्लाइम है जो कि उड़ सकता है। ये सुनकर रीमा कहते हैं, मुझे ऐसे स्लाइम के बारे में पता ही नहीं था, क्या आप इसे कैप्चर कर सकते हो? तो लिपिन अपने मैजिक का यूज करके उस स्लाइम को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। ये देखकर रीमा शॉक हो जाता है और पूछता है ये क्या था। तो लिपिन बताता है कि ये एक स्पेस मैजिक है जिससे टारगेट को यूजर के पास लाया जा सकता है। इसे एम करना काफी मुश्किल होता है इसलिए ज्यादा लोग इसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि किसी को भी हार्म पहुंचाए कैप्चर किया जा सकता है। जिसके बाद लिपिन रीमा को इस स्लाइम को टेम करने के लिए कहता है। रीमा भी मान जाता है और अब वो उस स्लाइम को टेम कर लेता है। और उसकी एबिलिटी आइडेंटिफाई करने के बाद रीमा को पता लगता है कि इसके पास उड़ने की और हल्का वेट वाली है और इसका मल्टीप्लिकेशन लेवल 8 है। रीमा स्लाइम को उठाता है और कहते हैं कि इसमें तो वजन ही नहीं है। तभी लिपिन वहां आता है और रीमा से कहता है इसका वेट पूरा 0 नहीं होता है लेकिन उसी के करीब होता है। ये सुनकर रीमा कहता है कि जॉब पूरी करने के बाद मैं सोचूंगा कि स्लाइम के साथ क्या कर सकता हूँ। ये सब देखकर बाकी लोग रीमा से कहते हैं तुम्हें स्लाइम तो काफी ज्यादा पसंद है। उनकी बात सुनकर रीमा थोड़ा शर्मा जाता है और कहते हैं हमें पहले हंटिंग करनी चाहिए अब। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग वापिस से फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर रीमा को कुछ अजीब सेंस हो रहा होता है। तभी लिपिन कहता है हम लोग जब सुबह यहाँ पर आए थे तो उस एरिया के ट्री नॉर्मल ट्री थे लेकिन आधे से ज्यादा अब वो ट्रेंड बन चुके हैं। ये सुनकर एक लड़की कहती है क्या ऐसा बहुत बार होता है? तो लिपिन कहता है ये काफी तेज है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही कहीं पर जरूर एक डेंजरस इवॉल्व स्पीसीज है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो हमें हंटिंग तो करनी होगी ही। और अब वो लोग जाकर ट्रेंड से लड़ने लगते हैं। वही रीमा और लिपिन साथ में ही विंड कटर का यूज करके उन लोग की हेल्प कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक एडवेंचर को चोट लग जाती है तो अब उसकी साथी जाकर उसे हील करने लगती है। उनके ऊपर वापिस से ट्रेंड हमला करने वाला होता है लेकिन रीमा आके उन्हें बचा लेता है। ये देखकर असागी लिपिन और रीमा से कहते हैं हमारी लड़ने में हेल्प करो, अब कुछ ज्यादा ही ट्रेंड हो चुके हैं। तो रीमा भी मान जाता है और अब वो सभी लोगों की हेल्प करने लगता है और अब इसी के साथ वो काफी सारे ट्रेंड्स को मार देते हैं। तभी लिपिन कहता है ये एरिया अब क्लियर हो चुका है लेकिन सामने वाला एरिया पूरा ट्रेंड से ही भरा हुआ है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं चलो फिर वहीं पर, और अब वहां पर भी जाके वो काफी सारे ट्रेंड्स को मारने लगते हैं। वही रीमा सोचता है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोग थक जाएंगे और अब रीमा अपनी सारी आयरन स्लाइम को बाहर निकालता है और फिर वो उन्हें छोटी एक्स में बदल देता है और अब एक एक करके वो काफी सारे ट्रेंड्स के ऊपर एक ही बारी में हमला करता है। ये देखकर सभी लोग रीमा की तारीफ करते हैं और अब सभी लोग भी आकर रीमा की हेल्प करते हैं उन ट्रेंड्स को मारने के लिए। और अब वो जैसे ही काफी सारे ट्रेंड्स को मार देते हैं उनके सामने एक ऐसा ट्रेंड आता है जो कि काफी पावरफुल है। उसे देखकर लिपिन कहता है ये एल्डर ट्रेंड्स हैं, मैंने पहले भी कभी देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा जिसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर हो। और अब वो लोग सोचने लगते हैं अगर वो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये पूरे फॉरेस्ट को ही ट्रेंड बना देगा। तो बस आगे लिपिन और रीमा से कहता है तुम्हारे पास कितना मैजिक पावर बचा है? तो लिपिन कहते हैं मैं ठीक हूँ। वही रीमा कहते हैं मैंने तो अभी तक कोई मैजिक यूज भी नहीं करा। जिसके वो लोग डिसाइड करते हैं उस ट्रेंड को मारने की और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से रीमा के स्लैम डर के मारे कांपने लगते हैं तो अब रीमा उन्हें वापिस से अपने डायमेंशन होम में डाल देता है। ये देखकर लिपिन रीमा से कहते हैं तुमने सही डिसीजन लिया, तुम डरे हुए को जबरदस्ती लड़वा नहीं सकते हो। तो रीमा कहते हैं हाँ लेकिन ये लोग डर किससे रहे हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ट्रेंड ग्राउंड से अपनी रूट निकालकर हमला करने लगते हैं। ये रीमा देखकर पेमेंट का यूज करता है जिस वजह से ट्रेंड जमीन से बाहर आ जाते हैं। रीमा कहते हैं इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। सभी लोग ये सुनकर अब जाकर ट्रेंड के ऊपर हमला करते हैं लेकिन वो ट्रेंड अपनी पावर का यूज करके उन लोग के वेपन को ही गला देता है। ये देखकर लिपिन कहते हैं ये तो डार्कनेस मैजिक है, ये मेटल को गला सकता है। ये सुनकर रीमा कहते हैं तो इस वजह से मेटल स्लैम डर गए थे। जिसके बाद रीमा अपने मेटल स्लाइम को वापिस से बाहर निकाल लेता है और अब वो उन्हें एक्स में बनाकर उस ट्रेंड के ऊपर हमला करता है। वो एल्डर ट्रेंड भी अपने उसी मैजिक का यूज करता है लेकिन रीमा की स्लाइम को कुछ भी नहीं होता है बल्कि वो जाकर उस ट्रेंड के ऊपर लग जाती है। ये देखकर रीमा कहता है तो ये प्योर आयरन को गला नहीं सकता है। जिसके बाद रीमा अपनी कुछ स्लाइम को बाकी सभी लोगों को भी दे देता है और कहते हैं मुझे 5 सेकंड का टाइम दो। और अब रीमा अपनी स्लाइम से एक काफी बड़ा वेपन बनाकर उसे उठाकर घुमाने लगता है और काफी तेजी से ट्रेंड के मुंह पे मारता है। और अब असागी रीमा से कहता है फाइनल ब्लो कर दो, तो रीमा भी मान जाता है और अब वो उसके ऊपर वापस हमला करके उस एल्डर ट्रेंड को हरा देता है। और अब रीमा सभी लोगों का शुक्र करता है क्योंकि इस बैटल से उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला। तो सभी लोग रीमा से कहते हैं कि हमें तुम पर विश्वास था कि तुम जरूर इसे हराओगे। ये सुनकर रीमा काफी खुश हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। वही रीमा सभी के लिए खाना बना रहा होता है, सभी लोग को रीमा का खाना काफी पसंद आता है। तभी लिपिन कहता है उस एल्डर ट्रेंड के नीचे एक मैजिक क्रिस्टल था, वो क्रिस्टल ही उस एल्डर ट्रेंड को इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी दे रहा था। वहीं पर असागी रोते हुए कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि मैं मिसो सूप एंजॉय करूंगा। और अब इसी तरीके से सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। वहीं पर रीमा भी ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।